नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुमन रावत। बात करते हैं यूपी की खबरों की। बागपत जिले के बड़ौद पहुंचे बलियान खाप के चौधरी नरेश टिकेत ने सुप्रीम कोर्ट के जरिए प्रेम विवाह मंजूरी के फैसले को गलत ठहराते हुए प्रेम विवाह को मंजूरी देने से इनकार किया और युवतियों से अपील की है कि वो प्रेम विवाह जैसा कदम ना उठाए। वहीं इस दौरान बलियान खाप चौधरी ने जनसंख्या को लेकर कहा कि जाटों की संख्या बढ़ने के बजाय घट रही है, इस ओर ध्यान देना चाहिए। दरअसल बड़ौद क्षेत्र में समाज से फैल रही कुरीतियों को लेकर एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय जाट समाज चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान समाज में फैल रहे नशेखोरी जैसी कुरीतियों से दूर रहने के लिए युवाओं को कहा गया। कुरीतियां ज्यादा आ गई, नशाखोरी की आ गई, बुजुर्गों की बात न मानने की आ गई, काम धंधे की आ गई, आवारापन की आ गई। तो ये सब जितने भी समाज के विपरीत काम है इस बिरादरी में ज़्यादा आ गए, जिनमें हमें शर्म महसूस होने लगी। तो हमने इस तरह का कदम उठाया, जगह जगह हम ये कर रहे बात। मैं समाज में कुछ सुधार होना चाह। इस दौरान मंच पर बोलते हुए भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष और बलियान खाप के चौधरी नरेश टिकेत ने अंतर्राज्यीय और प्रेम विवाह पर बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर दिया और इसे गलत ठहराया। 19 नवंबर से 25 नवंबर तक चलने वाले विश्व धरोहर सप्ताह के दौरान राज्य संग्रहालय नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। चित्रकला प्रदर्शनी में भाग लेने वाले बच्चों को राज्य संग्रहालय के निदेशक आनंद कुमार सिंह ने प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इस प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों के 150 से ज्यादा छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर संग्रहालय के निदेशक आनंद कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय दलों के प्रति बच्चों को जागरूक करना और उनको संरक्षित कैसे किया जाए इसकी जानकारी देना प्रतियोगिता का मकसद था। सिर्फ अधिकारी कर्मचारी नहीं कर सकते, करना किसे होगा? सभी जनमानस को। आज आप लोग जाओगे, कितने लोग अपने घर में यह चर्चा करोगे कि हम कहां गए थे और किस लिए गए थे? आप लोग नहीं करोगे। दूसरी बात, एक चीज और आपको बेटा हम आश्वस्त कर दें, लड़कियां निश्चित रूप से बहुत आगे गई हैं, लेकिन बच्चों को लड़कों को भी निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर यहां संख्या बल देखा जाए तो उसके आधार पर आनुपातिक दृष्टि से आप बिल्कुल ठीक हो। संभल से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां एक नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म के बाद उसको जिंदा जला दिया गया, जिसके बाद आनंद फानन में गंभीर हालत में किशोरी को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया। मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के साथ साथ NSA के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। किसान नाम है, जंगल में घुले गए मेरे साथ, सब कुछ करा उन्होंने। अच्छा, मेरी आग लगा दी। अच्छा, फिर जो लौट करके जब घर आ गए तो फिर क्या हुआ? मेरी मम्मी नहीं आई तो उसने मेरे क्या अपनी मम्मी को बताऊंगी, तो उन्होंने आग लगा दी। अच्छा, क्या नाम है उस लड़के का? किसान। अच्छा, क्या गलत काम भी किया था हमारे साथ? दवाई लेने गई थी के लिए थी। हाँ, लड़का खींच दवा। अच्छा, कौन था लड़का जो खींच? कहाँ ले गया था खींच करके? फिर क्या किया उसने ले आकर? आपको लड़की ने आकर के क्या बताया था घर में? क्या बताया? ये बड़ा जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है और प्रदेश सरकार महिलाओं के प्रति, बालिकाओं के प्रति जो भी अपराध है उसको बहुत ही गंभीरता से लेती है। जनपद के थाना नखासा के कस्बा सिरसी में घटना हुई थी कल रात को, इसमें एक लड़की को जिशान नाम के पड़ोसी ने जिस गलत कर्म करने के बाद से उसको जला दिया। ये अत्यंत ही दुस्साहसिक और जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। अपराधी गिरफ्तार कर लिया गया है और विधि के अनुसार इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई, यहाँ तक कि NSA की कार्रवाई की जाएगी, जिससे समाज में संदेश जाए कि महिलाओं और बालिकाओं के प्रति कोई भी प्रकार का दुस्साहस अपराध करने का कोई व्यक्ति न करने पाए।
बागपत के बढ़ोत थाना क्षेत्र में अज्ञात युवक की हत्या की वारदात सामने आई। युवक का शव नहर में पड़ा मिला। शव पर कई जगह जलाने के निशान भी पाए गए, जिससे लगता है कि युवक की हत्या करने के बाद शव को नहर में लाकर डाला गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त की कोशिश की, लेकिन मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई। अज्ञात में एक डेड बॉडी मिली है, ये पूर्वी जमुना नहर में, वहाँ की नदी नहर में तो पानी है, लेकिन थोड़ा कुछ गड्ढा, उसमें गड्ढा में जो फैक्ट्रियों का पानी आता है उसमें डेड बॉडी मिली है। डेड बॉडी बिल्कुल नंगी है और काफ़ी इसको प्रयास किया गया कि पहचान इसको लेकिन पहचान नहीं हो पाई है। हेलमेट भी आई हुई है, इसकी बॉडी फोटोग्राफी जा करके पेपरों में पुलिस कर पहचान कराई जाएगी और हत्या कारण जाना जाएगा। अभी फिलहाल सही तो कोई गहरा चोट नहीं दिखाई पड़ रहा, क्योंकि चोटें हैं पोस्टमार्टम से क्लियर हो पाएगा। अच्छा, हत्या यही हुई है, कहीं और से बॉडी लगा डाली गई, क्या लग रहा है आपको? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, ये भी थोड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, काफ़ी यहाँ भी मजदूर हैं, मजदूर टाइप का आदमी है, लोकल भी हो सकता है और बाहर का भी हो सकता है, बाहर भी जाकर डाला जा सकता है। किस तरह से इसकी हत्या हुई? अभी शरीर में तो कोई बहुत ऐसी चोट नहीं दिख रहा है जिससे हत्या की पुष्टि हो सके, लेकिन पोस्टमार्टम से क्लियर हो पाएगा। आगरा अलीगढ़ नेशनल हाईवे 93 पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने 2 व्यक्तियों को टक्कर मारी और चालक अज्ञात वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। दोनों व्यक्तियों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों व्यक्तियों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। आपके बेटे थे, क्या नाम था उनका? रविंदर सिंह और उर्फ बल्टी। क्या काम करते थे वो? ये घर को अपना खेती बाड़ी को काम कर रहा है। तो अभी हाईवे पे क्या करने गए थे? अपनी खेती की तरफ देखने गया था जो, तभी किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इसी के साथ फिलहाल यूपी की खबरों में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ABC Star News।